गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, ओनली का जो अर्थ है वो तो केवल और मात्र और सिर्फ के अर्थ में आपने तो कई बार पढ़ा होगा। आज मैं आपको ओनली का ऐसा अर्थ बता रहा हूँ जो शायद आपने कम सुना होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इसको शायद सुना होगा, कम सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ओनली को केवल मात्र सिर्फ के अर्थ में लेते हैं। जैसे हमें कहना है कि वह केवल अंग्रेजी बोलती है, तो हम बोलेंगे शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने केवल जिस शब्द के पहले कहा था, इंग्लिश में भी उसी के पहले ओनली का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं मात्र 3 रोटियाँ खाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई ईट ओनली 3 चपातीस। तो मात्र 3 रोटियाँ, तो हमने मात्र जो है वो 3 रोटियों के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पर ओनली जो है 3 चपातीस के पहले लगाया। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, तो सिर्फ तुम्हें, तो आई नो ओनली यू। मात्र केवल और सिर्फ के अर्थ में जब ओनली आएगा, तब उसी शब्द के पहले लगाएंगे जिसके पहले वो आ रहा है हिंदी में, उसी शब्द के पहले इंग्लिश में आएगा। लेकिन ही के अर्थ में हमें इसको जिस शब्द के बाद ही आ रहा है इंग्लिश में, उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमें कहना है कि तुम ही मुझे समझते हो, तो यहाँ पर हमने ही बोला है तुम के बाद, तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ओनली यू अंडरस्टैंड मी। वह अंग्रेजी ही बोलती है, तो अंग्रेजी ही बोला है हमने, तो हमें इंग्लिश के पहले ओनली लगाना पड़ेगा। शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। मैं शाम को ही आ सकता हूँ, शाम को ही, तो इन द इवनिंग के पहले आएगा। आई कैन कम ओनली इन द इवनिंग। वह तुम्हें ही पढ़ाएगी, तुम्हें ही। शी विल टीच ओनली यू। मैं बच्चों को ही पढ़ाता था, आई टॉट ओनली चिल्ड्रन। तो दोस्तों, ही के अर्थ में जिस शब्द के बाद ही आ रहा है, उसी शब्द के पहले आपको ओनली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि सिर्फ, केवल और मात्र जो है, जिस शब्द के पहले आ रहा है उसी शब्द के पहले हमें इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा। तुम ही मेरे दोस्त हो, ओनली यू आर माई फ्रेंड। तुम ही मेरी भावनाओं को समझते हो, ओनली यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मैं तुम्हें ही जानता था, आई न्यू ओनली यू। मैं रविवार को ही खेलूँगा, आई विल प्ले ओनली ऑन संडे। वह अंग्रेजी ही बोलती है, शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो ओनली शब्द जो है हमेशा उसी शब्द के पहले आएगा। सो ये टॉपिक बड़ा छोटा सा था, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। थैंक यू वेरी मच।